करहाल खेल मैदान की हो रही दुर्दशा से युवाओं ने कलेक्टर को कराया अवगत। कलेक्टर ने जल्द व्यवस्था दुरुस्त और खेल सामान उपलब्ध कराने की बात कही। खबर करहाल से है, जहां आज करहाल आए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को युवाओं ने आवेदन देकर खेल मैदान की हो रही दुर्दशा से अवगत कराया। युवाओं ने बताया कि करहाल का एकमात्र स्टेडियम बिल्कुल भी खेलकूद के उपयोग में नहीं आ रहा है। कई जगह दरवाजे तक टूट चुके हैं। क्रिकेट मैच के लिए पिच तक नहीं बनी हुई है। स्टेडियम की कोई देखरेख नहीं होने के चलते जर्जर हालत होती जा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन की नाकामी के चलते करहाल स्टेडियम अतिक्रमण की जद में भी आ चुका है। स्टेडियम के बाहर लोगों ने गुमटी पत्थर की बाउंड्री और अवैध निर्माण करके जमीन घेर ली है, जबकि स्टेडियम पर आए दिन वीआईपी मूवमेंट और नेताओं के हेलीकॉप्टर भी उतरते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी स्टेडियम के नज़दीक होता ही अतिक्रमण सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही खेल मैदान के बाहर हुए अतिक्रमण से वाहन पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बची है। वहीं कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने स्टेडियम की व्यवस्था सुधारने और स्टेडियम की भूमि से अतिक्रमण हटवाने की बात कही है। अब देखना होगा कि कब तक तहसील प्रबंधन इस अतिक्रमण को हटाता है। देखिए करहाल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। पूछा था कल ही तो कराते हैं इसको। हेलीपैड बना दी सर, और रास्ते भी सर दोनों तरफ से खुल रहे हैं सर। कराते हैं लोड इन वन आते हैं सर स्टेडियम में अंदर ही सर। हाँ हाँ, इसको कराएंगे सर। ये लेदर बॉल से ग्राउंड वगैरह नहीं, पिच वगैरह नहीं, बॉल खराब हो जाती है। परेशान हो रहे, अच्छा बना हुआ है सब वहाँ पे। सर ये भी अच्छी टीम है, कराएंगे इसको, करा देंगे।